उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बीजेपी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। इसी बीच मथुरा से योगी के नाम का एक प्रस्ताव आगे बढ़ा है जो संतों की तरफ से सामने आया। सवाल यह है कि क्या इस बार योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, क्या इस बार बीजेपी को बांके बिहारी से मिलेगा 10 मार्च की जीत का आशीर्वाद। मथुरा से एक बार फिर उठी पुकार, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये जरूर यहाँ से चुनाव लड़े और हम संत समाज तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे। कृष्ण की नगरी से योगी उतरे इस बार, एक धर्म योगी है, उसने पूर्वांचल में बनारस को काशी को केंद्र मान लिया, और एक ये धर्म योगी है, ये हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ले। यूपी के इस रण में योगी आदित्यनाथ इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे? योगी की रणभूमि अयोध्या होगी या मथुरा? यूपी में इस वक्त हर किसी के मन में यही सवाल है, और इसी सवाल के बीच मथुरा से जो आवाज उठी उसे आपको गौर से सुनना चाहिए। ऐसा अद्भुत, ऐसा धर्म पायन, ऐसा धर्म की मर्यादा को रखने वाला प्रशासन हमको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसकी रक्षा हमको करनी पड़ेगी। आखिर साधु संत क्यों चाहते हैं कि योगी मथुरा से चुनाव लड़ें? मथुरा से योगी उतरते हैं तो उसके पीछे योगी की रणनीति क्या होगी? क्या मथुरा से पूरे पश्चिम यूपी को साधने की रणनीति है? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां इंडिया टीवी की टीम उन साधु संतों के बीच मौजूद थी जो उस बैठक का हिस्सा थे जिसमें योगी को चुनाव में उतरने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हैं और इसी बीच साधु संतों की गतिविधि भी तेज हो गई है। इस वक्त हम वृंदावन में मौजूद हैं और यहां एक बैठक संपन्न हुई है, और बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। महन जी, हम आपसे अगर पूछना चाहें, आपका नाम क्या हुआ और आपको ये प्रस्ताव पास करने की जरूरत क्या महसूस हुई? मेरा नाम स्वामी भास्करानंद है। प्रस्ताव पास करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि योगी जी ने मथुरा वृंदावन के लिए बहुत कुछ किया है। पहले ये मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बार इस मथुरा वृंदावन आए हैं, और यहाँ पर होली उत्सव है या जन्माष्टमी है, प्रत्येक उत्सव को उन्होंने भव्य बनाया है, दिव्य बनाया है। तो प्रत्येक ब्रजवासी मथुरा वृंदावन वालों की ये मांग है कि योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना ब्रज के लिए किया है, तो निश्चित है उनको यहाँ के लिए लड़ना। यही स्वामी भास्करानंद इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा से जो कुछ कह रहे थे उसके पीछे की वजह समझनी जरूरी है। दरअसल मथुरा के साधु संतों की इच्छा है कि वहां से कोई ऐसा शख्स ही चुनाव लड़े जो सनातन धर्म में सिर्फ आस्था ही नहीं रखता हो बल्कि संत परंपरा से भी आता हो। क्या संतों के इस प्रस्ताव से आपको लग रहा है कि योगी यहां से मैदान में होंगे? देखिए, हम लोग बहुत लंबे समय से एक मांग उठाते चले आ रहे हैं कि अयोध्या सबने देख लिया है, काशी सबने देख लिया है, अब जन्मभूमि मथुरा की बारी है, तो योगी जी को मथुरा से हम संत समाज चाहते हैं कि मथुरा से लड़ें। हम बार बार एक बात कहते हैं, जितने भी धर्म के क्षेत्र हैं वहाँ से संतों को चुनाव लड़ना चाहिए। हमने भी अपना दिया हुआ है, अगर योगी जी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारे साधु समाज उनके साथ में लगा हुआ है, ये तो फिर हम संत की तरफ से संत समाज ने हमको भी आगे किया है। अच्छा। ये तो फिर महाराज जी आप लड़ेगा साधु, आप आपकी मांग ये है कि साधु लड़े, वही लड़े, हमारी मांग है कि सारे धर्म क्षेत्रों से साधु लड़े। योगी को पार्टी अगर मथुरा से चुनाव में उतारने का फैसला लेती है तो उसके पीछे कई अहम वजह भी हो सकती है। सबसे अहम वजह है पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण। पश्चिम यूपी में किसानों की नाराजगी एक ऐसा मुद्दा है जो किसी से छिपा नहीं है। उधर अखिलेश यादव के साथ जाट नेता और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आ गए हैं। जाहिर है बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी को साधना बेहद जरूरी है। अगर योगी मथुरा से उतरते हैं तो पूरब में मोदी और पश्चिम में योगी की मौजूदगी से यूपी में बीजेपी की राह आसान हो सकती है। कर्मयोगी दो हैं, एक धर्म योगी है, उसने पूर्वांचल में बनारस को काशी को केंद्र मान लिया, और एक ये धर्म योगी है, ये हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ले, तो यहाँ पर ये वृंदावन ही एक मुख्य ऐसी जगह है जो देश का केंद्र बिंदु पश्चिम से आता है, वो पूरब से आता है। जब धर्मयोगी कर्मयोगी दोनों मिल जाएंगे तो सत्ता उनके हाथ में होगी, संस्कृति और संरक्षण की संरक्षण हो जाएगी। आपको लग रहा है कि अब की बार मथुरा और वृंदावन चुनावों की धुरी तय करेंगे?
मथुरा वृंदावन ही चुनाव की धुरी तय नहीं करेंगे, सनातन धर्म पूरा चुनाव की धुरी तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सरकार सत्ता में लाएगी सीटें। मथुरा का सियासी समीकरण क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। मथुरा वृंदावन वाली बेल्ट में ब्राह्मण वोट ज्यादा है। 2017 में बीजेपी को इनका पूरा सपोर्ट मिला था। इस बार ब्राह्मण वोट को लेकर बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, बीजेपी सभी ने दावा ठोका है। इसी सियासी समीकरण के बीच आपको योगी आदित्यनाथ के उन शब्दों को जरूर सुनना चाहिए जिसमें काफी कुछ छिपा है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। वैसे मथुरा से योगी का लगाव भी अलग रहा है और शायद यही वजह है कि 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक वो कई बार मथुरा जा चुके हैं। 2017 में 3 बार, 2018 में 4 बार, 2019 में 3 बार, 2020 में 1 बार और 2021 में तो योगी करीब 6 बार मथुरा जा चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।